हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट, रेशनल नंबर, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज टू फाइंड। आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। दो पार्ट आपको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इन क्वेश्चन में आपको इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज करके। एक तरह से यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगेगी, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में। हम सबसे पहले करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज का यूज यहां पर करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, आप मल्टीप्लीकेशन जो है वो किन दो के बीच में है। यहां पर अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो यहां पर आपको देखो, एक तो ये वाली टर्म दिख रही है, प्लस माइनस सेपरेट करती है आपकी टर्म्स को। तो यहां पर देखिए, ये एक टर्म है, देन उसके बाद में यहाँ प्लस आ गया और फिर यहाँ माइनस आ गया, तो ये एक टर्म है और फिर देखिए माइनस आ गया और ये एक पूरी टर्म हो गई हमारी। ठीक है, तो प्लस माइनस सेपरेट करती है टर्म को। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है, यहां पर तीन टर्म्स आपको देखने को मिल रही है। देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लीकेशन है जिनके पास में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको हम क्या करेंगे, यहां पर साथ में रख देंगे। और साथ में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है कि 3/5 और 3/5, यहां पर इन दोनों टर्म्स में आपको 3/5 क्या दिख रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम साथ में रख देंगे। तो -2/3 इंटू 3/5, और यहां पर है हमारा माइनस का 3/5 इंटू 1/6, और जो ये हमारा प्लस 5/2 था, इसको हमने एंड में रख दिया। ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहां पर क्या किया, एक तरह से इसका ऑर्डर सेट किया। और ऑर्डर सेट करना क्या होता है, एक तरह से हम कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का। तो हम यहां पर लिख रखते हैं यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। जब भी हम ऑर्डर सेट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर हम इन दोनों टर्म्स के अंदर, इसमें और इसमें, आपको नजर आ रहा है 3/5, तो 3/5 को हम क्या कर लेंगे, यहां पर कॉमन ले लेंगे। तो हमने 3/5 को हमने कॉमन ले लिया। अब 3/5 अगर हमारा कॉमन आ गया तो रिमेनिंग क्या रहा है यहां पर, तो देखिए यहां पर -2/3। ठीक है, इस वाली एक टर्म में -2/3, 3/5 तो कॉमन आ गया तो -2/3, और यहां पर देखिए 3/5 कॉमन आ गया था, क्या बचा, 1/6। लेकिन ध्यान रखना, हमने 3/5 पॉजिटिव कॉमन लिया है, यहां पर ये वाला जो माइनस साइन है ये 1/6 के पास में चल जाएगा। तो यहां पर हम 1/6 पॉजिटिव नहीं आएगा, माइनस का 1/6 आएगा। क्लियर है, 3/5 तो हमने कॉमन ले लिया। और आगे हमारे पास में क्या है, 5/2 प्लस का। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते, तो यहां पर 3/5 है, और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है, 3 2 जा 6, और 2 इंटू -2 माइनस का 4। ये फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना आता होगा, और 6 को डिवाइड करेंगे 6 से 1 टाइम्स, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 से, तो माइनस का 1 प्लस यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 5/2। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने किया, क्या किया हमने, कॉमन लिया, यहाँ पर कॉमन लिया। इस कॉमन लेने के प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज़ किया हमने यहाँ पर। ठीक है, जब भी हम कॉमन लेते हैं, एक तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती है, आपकी कॉमन लेना ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, पता है, जैसे ए बी प्लस बी सी है, तो यहाँ पर सॉरी हाँ ए बी प्लस बी सी है, तो यहाँ पर आपको बी कॉमन नजर आ रहा है, तो बी को आपने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग क्या रहा, ए प्लस सी। तो ये एक तरह से क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर हमने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं इन प्रॉपर्टीज को हटा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब आगे का पार्ट मैं आपका यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर है हमारे पास में 3/5, ठीक है, इंटू -4, और -1 कितना होगा, माइनस का 5/6। ठीक है, और ये है प्लस का 5/2, तो 5 से 5 कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारा माइनस का 1/2, और ये है हमारे पास में प्लस का 5/2। अब -1/2 और +5/2, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आपके सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमिनेटर को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का 1 और प्लस का 5, ये हो गया हमारा सॉल्व 4/2, तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, तो आंसर क्या हो गया, एक तरह से हमारा 2 आंसर आ गया। क्लियर है, क्या आंसर आ गया हमारा, 2 आंसर यहाँ पर आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।
चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं कि सेकंड पार्ट हमारा कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की ओर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्पेस क्रिएट करना होगा। स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें इसे रब करना होगा, तो हम यहाँ पर इसे रब कर लेते हैं। चलिए, अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट क्या है, 2/5 इंटू 3/-7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि देखिए मल्टीप्लिकेशन साइन इनके बीच में है, मतलब ये एक टर्म है, फिर ये एक पूरी टर्म है, और फिर ये एक पूरी टर्म है। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो सेपरेट कर दिया टर्म को। तो ये एक टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, और एक ये पूरी टर्म है। तो तीन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप देखिए कॉमन कहाँ पर क्या आ रहा है, तो देखो 2/5 और का ही है क्या, 2/5 ये रहा, 2/5 आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, यहीं पे कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2/5 इंटू, ये देखिए 3/-7 है। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, तो आप उसको न्यूमरेटर में भेज सकते हो। जैसे ऐसा लिखा हुआ हो 3/-4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -3/4। होता क्या है यहाँ पर, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। 3/-4, डिनोमिनेटर में जब माइनस साइन आता है, तो उसको हमारे को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। और रिड्यूस करने का प्रोसेस क्या है कि आप यहाँ पर क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर -1 से मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंस करने के लिए हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी हमने कर लिया। तो 3 × -1 3, और -4 × -1 +4, तो -3/4 हमारा क्या होगा, एक तरफ से आंसर होगा। ठीक है, तो -3/4 हम लिख सकते हैं 3/-4 को। ठीक है, तो यहाँ पर 3/-7 था, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, -3/7। डिनोमिनेटर में कभी भी आपका नेगेटिव साइन आए, तो आपको क्या करना है, उसे न्यूमरेटर में भेजना है। और फिर देखिए ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम आगे पहले कर लेते, तो 1/14 इंटू 2/5, जिससे कि हम यहाँ पर कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में, और फिर एंड में हम रख लेते हैं -1/6 इंटू 3/2। क्या यूज़ किया हमने, कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज़ किया यहाँ पर, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। आप यहाँ पर लिख सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस टर्म में और इस वाली टर्म में, इन दोनों में आपको कॉमन नजर आ रहा है 2/5, तो 2/5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ रिमेनिंग क्या रहा हमारा, -3/7, और प्लस यहाँ पर रिमेनिंग हमारा क्या रहा, 1/14। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और -1 × यहाँ पर आ जाएगा -1 × 2 × 2 कितना होगा हमारा, 4। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/5 × यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, तो 7 और 14 का एलसीएम क्या आ रहा है, 14। तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 times, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो कितना आएगा, 6। प्लस 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1 times, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 आएगा, -1/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रब कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2/5 × -6 + 1 कितना होगा, -5/14, और यहाँ पर है -1/4। देखिए 5 से 5 रिड्यूस होगा, और 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, देखिए माइनस साइन था, तो -1/, नीचे हमारा 7 है, माइनस यहाँ पर क्या है हमारा, -1/4। अब देखिए यहाँ पर 7 और 4 का हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, एलसीएम प्रोसेस लगेंगे, तो 28 आ गया हमारा। और 28 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितने टाइम्स आएगा हमारा, 4 times, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -4। फिर इस 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 times आएगा, 7 × -7 करेंगे, तो ये आएगा -7। तो हमारा कितना आ गया, -4 और -7 -11, -11/28, -11/28 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो सेकंड वाला जो पार्ट था, इसका आंसर हमारा क्या आया था, 2 आया था, और इसका आंसर क्या आया हमारा, -11/28। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।